आज के इस वीडियो में 5 मिनट का वीडियो होने वाला है टोटल, लेकिन इस 5 मिनट में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मेजर टैग सीखने वाले हैं, एक बेसिक वेबसाइट का जो HTML का जो टेम्पलेट टैग होता है वो कौन कौन से टेम्पलेट टैग्स होते हैं, एंड वो जो टैग्स होते हैं कौन किसके बाद रहता है, किसका स्ट्रक्चर कहाँ पर रहता है, ये सारे बातें हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली एंड इन डेप्थ में समझेंगे। ओके, तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड अपने दोस्तों को भी बता लीजिए कि एक वीडियो में पूरा का पूरा टैग्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दिख रहा है क्या, एक HTML का बेसिक टेम्पलेट यहाँ पे दिख रहा है, एंड टैग्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हेडर टैग है, सेक्शन है, आर्टिकल है, असाइड है, एंड फुटर है। तो ये सब यूज क्यों होते हैं एंड कहाँ पे यूज होते हैं, तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन है जो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा। सबसे पहले हेडर टैग, हेडर टैग मतलब क्या, एक इंसान का एक हेड होता है, तो वैसे ही एक HTML का जो हेड होता है तो वो जो उसका हेड पोजीशन के अंदर जो भी चीजें रहेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, एक हो गया आपके हेड के अंदर आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में सब मैसेजेस होता है, कहाँ से किधर क्या काम करना है, सब डेटास तो वहीं पे के होते हैं ना, एंड सारा इम्पोर्टेंट चीज भी वहीं पे होता है। आपका फेस का स्ट्रक्चर भी एक मान के चले तो वो भी हेड पोजीशन पे ही रहता है। तो सिंपली एक वेबसाइट का जो लोगो होता है वो रहता है हेडर टैग के अंदर, इसका एंडिंग टैग होता है एंड इसका स्टार्टिंग टैग भी होता है। ओके, हेडर का, हेडर के अंदर आप इमेज टैग के अंदर एक लोगो लगाते हैं, एंड उसके बाद नेविगेशन जो होता है, आप देखे होंगे बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर जब भी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स होते हैं, जब उस पर हम कोई क्लिक कर देते हैं तो वो हमें रिडायरेक्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वो जो चीजें होता है वो नेविगेशन टैग के अंदर हम एंकर टैग लगा लेते हैं जिसके माध्यम से कि वो रिडायरेक्ट करता है एक पेज से दूसरे पेज पे। ओके, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे उन्होंने लोगो लगा लिया एंड यहाँ पे उन्होंने एंकर टैग के अंदर नेविगेशन टैग्स के अंदर बहुत सारा उन्होंने क्या किया, लिंक्स लगा लिए जिसके माध्यम से कि एक पेज से दूसरा पेज कनेक्टेड रहे एंड एक पेज दूसरे पेज पे ट्रेवल कर पाए इजीली। ओके, एंड यहाँ पे एक इमेज टैग लगा के लोगो उन्होंने डाल दिया। अब बात करते हैं उसके नीचे जो कि है डिस्प्ले एड्स, किस किस मतलब साइट्स पे आप देखे होंगे बस लोगों के नीचे ही एक एड्स का सेक्शन एक स्टार्ट हो जाता है, एंड उसके बाद चाहे तो आप कोई भी जितना भी सेक्शन, एक बार जब आपने ये ऊपर वाला काम खत्म हो गया हेडर वाला, इसके नीचे आप चाहे तो जितने भी सेक्शंस बना सकते हैं। एक सेक्शन में आप चाहे तो एड्स दिखा सकते हैं, एक सेक्शन में चाहे तो आप मतलब कुछ अलग, जैसे कि पैराग्राफ हो गया, आपके कंपनी का कुछ चीजें जैसे कि कंपनी के बारे में बताना हो गया, आपका फाउंडर का, या आपको कुछ भी करना है तो वो सेक्शन के अंदर ही आपको रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल दूं, ये जो यहाँ से देख रहे होंगे यहाँ तक जो है ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है। ओके, ये जो सेक्शन है इसके इस साइड में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ्स रख लिया एंड दो बटन्स रख लिए, एंड बटन्स हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाले वीडियो पे, बट फिलहाल के लिए आप मान लीजिए ये दोनों बटन टैग के अंदर उन्होंने रखा है, एंड यहाँ पे जो है एक कार्ड का एक इमेज उन्होंने लगा लिया है। ओके, यहाँ पे एक H1 टैग लिया है एंड यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिया है। ओके, इस तरह से उन्होंने डिजाइन किया एंड ये पूरा का पूरा एक सेक्शन के अंदर अभी है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊं तो ये एक डिवीजन, ये एक डिवीजन, ये एक डिवीजन, एक इसको अगर मैं पूरा सेक्शन मानूं, एक सेक्शन के अंदर उन्होंने 3 डिविजन्स किया है, इन तीनों डिविजन्स के अंदर उन्होंने क्या किया, एक पैराग्राफ यूज किया है, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर इनको डाल दिया है एंड यहाँ पे एक इमेजेस डाल दिया, यहाँ पे भी एक इमेज, यहाँ पे भी एक इमेज, उसी तरह से ये डिजाइन हुआ है। एंड यहाँ पे अगर मैं पूरा नीचे का बात करूँ यहाँ पे, तो उन्होंने असाइड टैग यूज कर पाएंगे, आप चाहे तो यहाँ पे कोई स्लाइडर दिखाना है तो असाइड टैग हो गया, इस तरफ यूज कर पाएंगे, आर्टिकल दिखाना है तो यहाँ पे सेक्शन के अंदर, जैसे कि अगर मैं इसको एक सेक्शन अगर लूं तो यहाँ पे मैं आर्टिकल्स टैग के अंदर इसको डाल सकता हूँ, यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे उसका जो हेडिंग हो गया H3 के अंदर मैं डाल सकता हूँ, H4 के अंदर डाल सकता हूँ, पैराग्राफ को यहाँ पे डाल दूंगा एंड उसके बाद जो इमेज होता है वो इमेज को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, तो ये सारा जो सिंटैक्स है वो आपके ब्रेन में आना चाहिए। हाँ, अगर आपके ब्रेन में एक एक बार आना स्टार्ट हो गया देन आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट आप देखते ही बोल देंगे इस वेबसाइट को मैं देख के ही बना लूंगा, ये आपके लिए ज्यादा मतलब बहुत ही आसान हो जाए जब आप देख के चीजों को अंदाजा लगा लेंगे, हाँ इसको इससे बनाना है, उतने में आपका मतलब आधा काम उतने में ही खत्म हो गया। ओके,
आपका काम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एक पहला स्टेप ले लिया जिससे कि आपने सब देख लिया, हाँ इसको इससे बनाना है, उसके बाद आपका उतने में ही 50% काम आपका खत्म होगा। ओके सो अभी इसके बाद जाते हैं, इसके बाद वाला जो टैक्स है वो क्या है, जैसे कि फूटर टैक्स। सबसे नीचे जब आपका सब कुछ काम ऊपर खत्म हो जाए, सबसे नीचे रहता है फूटर टैक्स। ये जो कि ये रहा उनका फूटर टैक्स, अगर इसको मैं जूम करूं तो इसको हम बोलते हैं फूटर, जहाँ पे आपका कॉपीराइट लिखा जाता है एंड उसके आपकी कंपनी के बारे में अगर हो गया कुछ थोड़ा लिखा जाता है, बहुत सारे लिंक्स हो गए, आपका एड्रेस हो गया, आपका फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सारा जो डिटेल्स होता है वो इस तरह नीचे पे लिखा जाता है। एंड ये एक सेक्शन है, ये कंप्लीट एक सेक्शन है, ये भी एक सेक्शन है, ये भी एक सेक्शन, ये भी एक सेक्शन। तो इस तरह से आप सेक्शन बना के अलग अलग, मतलब एक वेबसाइट को बहुत कंपोनेंट में डिवीजन आप कर सकते हैं एंड उसका बहुत ही फायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि सेक्शन में हमको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इजी होता है एंड यहाँ पे कोई भी बंदा अगर देख रहा है तो उसको भी इजीली पता चलता है हाँ ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर दो डिविजन्स हुए। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आज का इस वीडियो में मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आपको एग्जाम्पल के साथ बता सकूं कि कौन सा टैग है एंड वो टैग को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो कि आपको पता चला होगा मुझे लगता है। अगर पता चला देन कमेंट सेक्शन पे आपका एक काम है कि यहाँ पे बस सिंपली मेंशन करना है आपको, हाँ भाई पता चल गया, या तो हाँ फ्रेंड अगर आप मुझे मानते हैं तो फ्रेंड लिखिए, भाई मानते हैं तो भाई लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन वहां पे लिखिए हमने ये समझा। एंड समझने के बाद उस पे आपने सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट कौन सा लगा एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इनमें से इतने टैग्स में से कौन सा लगा वो भी आप लिखिए, जैसे कि मुझे पता चले कि हाँ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगा है एंड ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँगा आपके लिए तब मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। ओके तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। That's all for today, guys. Thank you.